काउंटिंग नो प्रॉब्लम में आपका स्वागत है। मैं हूं आरती। टेली प्राइम का ये वीडियो क्रेडिट नोट में जीएसटी के साथ किए जाने वाले कुछ मुख्य ट्रांजैक्शंस के बारे में है। इस वीडियो को हमने दो पार्ट्स में बनाया है। पहले पार्ट में हम आपको कुछ महत्वपूर्ण ट्रांजैक्शंस के बारे में बता चुके हैं। इस वीडियो में हम कुछ और ऐसी परिस्थितियों के बारे में बताएंगे जिनमें क्रेडिट नोट बनाया जाता है। जैसे हमने कस्टमर को कोई माल बेचा और कस्टमर को माल प्राप्त होने पर उसने बताया कि हमने जितनी क्वांटिटी का बिल बनाया है माल उससे कम क्वांटिटी में प्राप्त हुआ है, तो इस गलती को सुधारने के लिए क्रेडिट नोट बनाया जाता है। दूसरी स्थिति है जब सप्लायर कस्टमर को माल बेचता है और उस समय दोनों के बीच ड्यू डेट के अंदर पेमेंट करने पर किसी प्रकार के डिस्काउंट के बारे में बात हो जाती है, तो उस डिस्काउंट को देने के लिए। तीसरी स्थिति है कि जब हमने किसी कस्टमर को उधार माल बेचा था तो उस समय उसे शीघ्र पेमेंट करने पर किसी तरह का डिस्काउंट देने की बात नहीं हुई थी, पर हमें व्यापार में लिक्विडिटी की परेशानी यानी नकदी की कमी हो रही है, तो हमने उस कस्टमर से कहा कि यदि आप 3 दिन में पेमेंट कर देंगे तो हम आपको किसी निश्चित प्रतिशत से डिस्काउंट दे देंगे, तो इस तरह का डिस्काउंट देने के लिए भी क्रेडिट नोट बनाया जाता है। आइए बात करते हैं पहली कंडीशन की। हमने कस्टमर को कोई माल बेचा और कस्टमर को माल प्राप्त होने पर उसने बताया कि हमने जितनी क्वांटिटी का बिल बनाया है माल उससे कम क्वांटिटी में प्राप्त हुआ है, तो इस गलती को सुधारने के लिए क्रेडिट नोट बना लेते हैं। इसको समझने से पहले हम अपने कस्टमर का सेल्स बिल बना लेते हैं। हमने 1 दिसंबर को दीपक ट्रेडर्स को 14,000 रुपए प्रति नग के भाव से 5 नग मॉनिटर उधार बेचे, जिस पर 9% से CGST और 9% से SGST चार्ज किया। 2 दिसंबर को दीपक ट्रेडर्स ने हमें कहा, आपने जो मॉनिटर भेजे थे उनका बिल तो 5 मॉनिटर का था, पर बॉक्स में 3 ही मॉनिटर निकले, कृपया आप इस गलती को ठीक कर लें। अब हमने अपने यहाँ स्टॉक चेक किया तो 2 मॉनिटर स्टॉक में ज्यादा थे, यानी गलती से हमने पार्टी को माल कम ही भेजा था और बिल ज्यादा का बना दिया था, तो आइए इस गलती को ठीक करने के लिए क्रेडिट नोट बना लेते हैं। क्रेडिट नोट के लिए हम ऑल्टर और F6 प्रेस करेंगे, F2 प्रेस करके डेट चेंज कर लेंगे। पार्टी अकाउंट नेम में दीपक ट्रेडर्स सिलेक्ट करना होगा। ओरिजिनल इनवॉइस नंबर में हमें अपना वो बिल नंबर टाइप करना होगा जिसमें गलती से माल कम गया है, और यहां पर उस बिल की डेट टाइप करेंगे। लेजर अकाउंट में हमें सेल्स अकाउंट सिलेक्ट करना है, क्योंकि हमने गलती से जो ज्यादा सेल दिखा दी है अब हम उसे कम करना चाहते हैं। आइटम में हम मॉनिटर सिलेक्ट कर रहे हैं। यहां हमें वो क्वांटिटी टाइप करनी है जो कस्टमर को कम प्राप्त हुई है, और यहां रेट में हम वो रेट डाल रहे हैं जो हमने उसे माल बेचते समय बिल में लगाए थे। अब चूंकि हम अपनी सेल कम कर रहे हैं तो उसका टैक्स भी कम करना होगा, उसके लिए हम CGST और SGST के लेजर सिलेक्ट करेंगे। प्रोवाइड GST डिटेल्स को यस करेंगे। रीजन में करेक्शन इन इनवॉइस सिलेक्ट करेंगे। यदि कस्टमर से हमें इसका डेबिट नोट प्राप्त हो गया है तो बायर्स डेबिट नोट नंबर में उसका नंबर टाइप करेंगे और यहां पर उसकी डेट टाइप करेंगे, और यदि कस्टमर का डेबिट नोट प्राप्त नहीं हुआ है तो जब प्राप्त होगा तब हम वाउचर को एडिट करके यहां पर डिटेल्स डाल देंगे। अगेंस्ट रेफरेंस में हमें अपना वो बिल नंबर सिलेक्ट करना होगा जिस बिल में माल कम गया है। यहां हम नरेशन में इस क्रेडिट नोट को बनाने का कारण टाइप करेंगे और इस एंट्री को सेव कर लेंगे। आइए अब इसका प्रभाव GSTR 1 पर देख लेते हैं। पहले पीरियड चेंज कर लेंगे। ये देखिए
हमने उसे जो 5 मॉनिटर का बिल बनाकर दिया था वो यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है, और हमने भूल सुधार के लिए जो क्रेडिट नोट बनाया उसका अमाउंट और टैक्स यहाँ माइनस में दिखाई पड़ रहा है। आइए अब मॉनिटर की स्टॉक समरी भी देख लेते हैं। ये देखिए, आउटवर्ड में पहले जो 5 मॉनिटर का बिल बनाया था वो दिखाई पड़ रहा है, और उसके नीचे हमने अपनी गलती को सुधारने के लिए जो क्रेडिट नोट बनाया है वो दिख रहा है। चलिए अब बात करते हैं दूसरी कंडीशन की। अगर कोई पार्टी ड्यू डेट के अंदर ही पेमेंट कर देती है तो उसे डिस्काउंट देने के लिए भी क्रेडिट नोट बनाया जाता है। यहाँ पर हम आपको ध्यान दिला दें, क्रेडिट नोट की वीडियो का ये जो पार्ट है वो डेबिट नोट वीडियो के पार्ट 3 के बिल्कुल विपरीत है। उसमें हमने कस्टमर द्वारा डेबिट नोट बनाना बताया है और इसमें हम सप्लायर द्वारा क्रेडिट नोट बनाना बता रहे हैं। इसलिए इसे अच्छे से समझने के लिए पहले उस वीडियो को जरूर देख लें। इस कंडीशन को समझने के लिए पहले हम 2 दिसंबर को अपने कस्टमर वासु ट्रेडर्स का एक बिल बना रहे हैं। इस बिल की ड्यू डेट हम 31 दिसंबर 2021 दे रहे हैं। इसमें हम उसे 13,000 रुपए के भाव से 3 नग प्रिंटर, 12,000 रुपए के भाव से 2 नग मॉनिटर और 6,000 रुपए के भाव से 1 नग सोइंग मशीन उधार बेच रहे हैं। इसमें हम IGST लगाएंगे क्योंकि ये हमारे प्रदेश के बाहर की पार्टी है। माल बेचते समय ही हमने कस्टमर को कहा था, भाई इस बिल की ड्यू डेट 31 दिसंबर है, यदि आप इस तारीख तक पेमेंट कर देंगे तो हम आपको 1,000 रुपए का डिस्काउंट देंगे। वासु ट्रेडर्स 31 दिसंबर 2021 को आया और बोला 1,000 रुपए डिस्काउंट काट कर इस बिल का पेमेंट ले लीजिए। तो चलिए पहले इस डिस्काउंट का क्रेडिट नोट बना लेते हैं। जैसे ही हमने क्रेडिट नोट बनाना शुरू किया तो हमें याद आया कि यदि हम आइटम इनवॉइस मोड में क्रेडिट नोट बनाते हैं तो हमें इस 1,000 रुपए को तीनों आइटम की वैल्यू के हिसाब से डिवाइड करना होगा, और फिर जैसा कि अभी तक हमने आपको बताया है हर आइटम के साथ अमाउंट डालकर एंट्री करना होगी। अब सवाल ये है कि ये तो सिर्फ 3 ही आइटम है, मान लो बिल में 20 आइटम्स होते तो हर आइटम का डिस्काउंट बांटना थोड़ा मुश्किल होता। इसलिए अच्छा होगा कि हम इस एंट्री को आइटम इनवॉइस मोड की जगह अकाउंटिंग इनवॉइस मोड में कर लें। वाउचर बनाने के पहले हमें कुछ कॉन्फ़िगरेशन करना पड़ेगा, उसके लिए F12 प्रेस करेंगे। यहाँ से मॉडिफाई टैक्स रेट डिटेल्स ऑफ GST पर जाना होगा और इस ऑप्शन को यस करना होगा। अब इस स्क्रीन को एक्सेप्ट कर लेंगे। आइए अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पार्टी का नाम सेलेक्ट करेंगे। यहाँ हम अपने जिस बिल के अगेंस्ट डिस्काउंट दे रहे हैं उसका बिल नंबर और डेट टाइप करेंगे। पर्टिकुलर में कैश डिस्काउंट ऑन सेल्स का लेजर सेलेक्ट करेंगे। हमने ये लेजर नहीं बनाया है तो इसे बना लेते हैं। हम ये लेजर सेल्स अकाउंट ग्रुप के अंतर्गत बनाएंगे क्योंकि हम सेल्स पर डिस्काउंट दे रहे हैं। अब यहाँ अमाउंट टाइप करके एंटर प्रेस करेंगे। ये देखिए, ऐसा करते ही एक नई विंडो टैक्स क्लासिफिकेशन डिटेल्स की आ गई है। यदि आपकी विंडो इस तरह की दिखाई पड़ती है तो ठीक है, पर अगर इसके स्थान पर वो इस तरह की दिखाई पड़े तो F12 की प्रेस करें। अब यहाँ पर दिखाई पड़ रहे ऑप्शंस में से अलाउ ओवरराइड एसेसिबल वैल्यू और ओवरराइड टैक्स रेट को यस कर लें और इस विंडो को सेव कर लें। यहाँ क्लासिफिकेशन ऑब्लिक नेचर में स्पेस बार प्रेस करेंगे। नेचर्स ऑफ ट्रांजेक्शन में से हम जिस तरह की सेल के अगेंस्ट क्रेडिट नोट बना रहे हैं वो सिलेक्ट करेंगे। जैसे यदि हमारी ये सेल इंट्रा स्टेट सेल होती, यानी राज्य के अंदर की गई सेल होती, तो उसके लिए यहाँ हम
सेल्स टैक्सेबल सिलेक्ट करते। ध्यान रखें, इंट्रा स्टेट सेल्स के लिए हमेशा सेल्स टैक्सेबल सिलेक्ट करना होता है। चूंकि हमारी ये सेल इंटर स्टेट सेल यानी राज्य के बाहर की गई सेल थी, इसलिए यहाँ पर हम इंटर स्टेट सेल्स टैक्सेबल सिलेक्ट कर रहे हैं। साथ ही यहाँ हमें एक कैलकुलेशन करना होगी। जैसा कि आप बिल में देख रहे हैं, माल का मूल्य है 69,000 रुपीस और उस पर GST लगा है 12,060 रुपीस। तो हमें सभी आइटम्स पर मिलाकर एवरेज टैक्स रेट निकालना होगा। इसका फॉर्मूला है टैक्स का एवरेज रेट इज इक्वल टू GST बाय माल का मूल्य इंटू 100। अब यहाँ पर GST है 12,060 रुपए, माल का मूल्य है 69,000 रुपए इंटू 100 इज इक्वल टू टैक्स रेट आया 17.48%। यहाँ पर एवरेज टैक्स रेट निकालने का कारण ये था कि बिल में अलग अलग टैक्स रेट के आइटम्स थे। मान लीजिए यहाँ सभी आइटम्स 18% टैक्स रेट के होते तो हमें इस तरह की कोई कैलकुलेशन नहीं करना पड़ती, हम सीधे 18% लेकर आगे बढ़ जाते। हम इंटीग्रेटेड टैक्स में 17.48 टाइप करेंगे, फिर एंटर प्रेस करते हुए आगे बढ़ेंगे। अब पर्टिकुलर में हम IGST का लेजर सिलेक्ट करेंगे। ये देखिए टैक्स अपने आप कैलकुलेट हो गया है। यहाँ प्रोवाइड GST डिटेल्स को यस करेंगे। रीजन में पोस्ट सेल डिस्काउंट सिलेक्ट करेंगे। बायर्स डेबिट नोट में कस्टमर का डेबिट नोट नंबर और यहाँ उसकी डेट टाइप करेंगे। अभी हमारे पास कस्टमर की डेबिट नोट की डिटेल्स नहीं है, इसलिए हम इसे ब्लैंक छोड़कर आगे बढ़ेंगे। अगेंस्ट रेफरेंस में वो बिल नंबर सिलेक्ट करेंगे जिस पर हम डिस्काउंट दे रहे हैं। अब एंटर प्रेस करते हुए आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर नरेशन टाइप कर देंगे। ये देखिए जैसे ही हम इस वाउचर को एक्सेप्ट करने गए, यहाँ पर एक छोटी विंडो आ गई है। इसमें तीन ऑप्शंस हैं जिसमें हमें एक्सेप्ट विदाउट कॉन्फ्लिक्ट्स यानी बगैर किसी विवाद के स्वीकार करना है। उसके लिए ओ प्रेस करेंगे और इस एंट्री को सेव कर लेंगे। आइए अब इसकी रिपोर्ट GSTR1 में देख लेते हैं। यहाँ क्रेडिट ऑब्लिक डेबिट नोट्स पर जाकर एंटर प्रेस करेंगे। ये देखिए यहाँ वासु ट्रेडर्स का क्रेडिट नोट दिखाई पड़ रहा है जिसमें उसका डिस्काउंट अमाउंट और उसका टैक्स माइनस हो रहा है। आइए अब बात करते हैं आखिरी कंडीशन की। इसे हम एक उदाहरण से समझ लेते हैं। आपको ध्यान होगा हमने अपने कस्टमर अशोक ट्रेडर्स को 2 अप्रैल को 17,700 रुपए का माल उधार बेचा था जिसका बिल नंबर 2 है। माल बेचते समय हमने किसी भी तरह के डिस्काउंट या इंसेंटिव की कोई बात नहीं की थी, पर आज 31 दिसंबर तक हमें उसका पेमेंट प्राप्त नहीं हुआ है। हमने उससे कहा हमें नकदी की दिक्कत है, तो यदि आप इस बिल का पेमेंट 3 दिन में कर देंगे तो हम आपको 5% डिस्काउंट दे देंगे। वो हमें आज ही पेमेंट देने के लिए तैयार हो गया है, तो आइए इस 5% डिस्काउंट का क्रेडिट नोट बना लेते हैं। यहाँ पर एक बात ध्यान रखें कि जब हम माल बेचते समय ही कस्टमर से डिस्काउंट संबंधित कोई एग्रीमेंट करते हैं तो इस तरह का डिस्काउंट देते समय उसके साथ GST भी लगाते हैं। इस तरह के डिस्काउंट को सेल्स में से कम किया जाता है और ऐसा करने के लिए डिस्काउंट का लेजर सेल्स अकाउंट ग्रुप के अंतर्गत बनाया जाता है। पर यदि हमने माल बेचते समय डिस्काउंट का कोई एग्रीमेंट नहीं किया और बाद में हम उसे किसी कारण से डिस्काउंट दे देते हैं जैसा कि अभी हमने बताया, तो उस पर GST नहीं लगाते हैं। साथ ही इस टाइप के डिस्काउंट का लेजर हम इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंतर्गत बनाते हैं। इस तरह के क्रेडिट नोट को हम अकाउंटिंग इनवॉइस मोड में बनाते हैं। यदि आपका वाउचर इस मोड में है तो ठीक, नहीं तो अकाउंटिंग इनवॉइस मोड में कर लें। सबसे पहले डेट चेक कर लें। पार्टी अकाउंट नेम में हम अशोक ट्रेडर सिलेक्ट कर रहे हैं। ओरिजिनल इनवॉइस नंबर के आगे हम अपने उस बिल का नंबर टाइप कर रहे हैं जिस बिल पर हम उसे डिस्काउंट दे रहे हैं और यहाँ उस बिल की डेट टाइप कर रहे हैं। पर्टिकुलर में हमें डिस्काउंट अलाउड का लेजर सिलेक्ट करना है जो कि बना हुआ नहीं है, तो इसे बना लेते हैं।
जैसा कि अभी हमने आपको बताया था, ये लेजर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस ग्रुप के अंतर्गत बनेगा। अब यहाँ इस जीएसटी एप्लीकेबल को नॉट एप्लीकेबल करना होगा। अब एंटर प्रेस करते हुए इसे सेव कर लेते हैं। यहाँ अमाउंट में हमें वो अमाउंट टाइप करनी होगी जो हम उसे डिस्काउंट के रूप में कम कर रहे हैं। हम 17,700 रुपए के बिल पर 5% के हिसाब से 885 रुपए यहाँ पर टाइप कर रहे हैं। ध्यान रखें, यहाँ हम जीएसटी का कोई भी लेजर सिलेक्ट नहीं करेंगे। यहाँ अगेंस्ट रेफरेंस में वो बिल नंबर सिलेक्ट करें जिस पर डिस्काउंट दे रहे हैं। अब यहाँ पर नरेशन टाइप कर दें और अब इस एंट्री को सेव कर लें। ध्यान रखें, इस क्रेडिट नोट में हमने किसी तरह का जीएसटी नहीं लगाया है, इसलिए जीएसटी की किसी भी रिपोर्ट पर इसका प्रभाव नहीं पड़ेगा। क्रेडिट नोट की इन दो वीडियोस में हमने कुछ मुख्य ट्रांजेक्शन्स बताए। इसी तरह आप अपनी जरूरत के अनुसार और भी कई ट्रांजेक्शन्स क्रेडिट नोट में रिकॉर्ड कर सकते हैं। इसके बाद वाली वीडियो में हम आपको बताएंगे कि स्टॉक ग्रुप पर जीएसटी कैसे इनेबल करते हैं और उसे क्या फायदा है। आज की वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।